नमस्कार दोस्तों, आईएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो डालता हूं, लेकिन मैं आपको प्रतिदिन अब सीए के साथ साथ डेली न्यूज़ का भी वीडियो दूंगा, जिसमें देश दुनिया की खबरें होंगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बात करते हैं डेली न्यूज़ के पहले टॉपिक पर। किसको नहीं मिल सकती है फांसी? भारत में किसको नहीं मिल सकती है फांसी? जैसा कि आप लोगों को या हम लोगों को पता ही है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी दिया जाएगा। अब तक भारत के स्वतंत्र होने से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। तो स्वतंत्र भारत में फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला बिहार की शबनम होंगी। मतलब शबनम जो बिहार में रहती हैं, वो भारत में स्वतंत्र भारत में फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला होंगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे देश में किसे फांसी की सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो पहला है, उस इंसान को फांसी के फंदे पर कभी नहीं लटकाया जा सकता है जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या जिसका इलाज ताउम्र चल रहा हो। साथ ही अगर बीमारी दुर्लभ है तो अपराधी को फांसी की सज़ा कभी नहीं दी जा सकती है। दूसरा यह है कि संविधान कभी भी गर्भवती महिला को फांसी के फंदे पर लटकाने की इजाज़त नहीं देता है। जैसे कि किसी अपराधी महिला की सज़ा उसके बच्चों को कभी नहीं दी जाएगी। तीसरा है, मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी फांसी नहीं दी जा सकती है। अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि अपराधी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे मौत की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। और इसके अलावा नाबालिग अपराधी को भी फांसी की सज़ा नहीं होती है, उसे जेल की जगह सुधार गृह में रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। उसके बालिग होने के बाद भी उस अपराध की सज़ा नहीं दी जा सकती है जो उसने नाबालिग होने के दौरान किया था। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।